नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 14 अक्टूबर, रात के अभी 9 बजे हैं और मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद मुझे लगता है बहुत सारा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसको बनाने का ज़रूरी समझा। आप ये छोटा सा पौधा का टहनी देख रहे हैं, इसमें पत्ते हैं, एक टहनी है छोटा सा और इसमें कुछ फल लगे हुए हैं जिसमें कांटा कांटा निकला हुआ है। इसका शायद आप नाम जानते होंगे, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता दूंगा। ये जो टुकड़ा है, ये पौधा का टुकड़ा या टहनी का टुकड़ा बोल सकते हैं, ये सिंदूर का पौधा था। कुछ बात ऐसा है कि कुछ दिन पहले मैं कोरापुट टूर पे गया था तो देवमाली घूमने गया था। देवमाली से जब मैं रिटर्न आ रहा था, उस वक्त जो मेरे ऑटो भैया थे, ड्राइवर भैया थे पूर्णो कुमार, जो कुंदली के रहने वाले हैं, वे इस पौधे के बारे में बताए। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डेड हो गया था, जिस वजह से इस वीडियो को अभी बनाना पड़ रहा। उस टाइम मैं बना नहीं पाया। हाँ, कुछ कुछ फ़ोटो ज़रूर खींच लिया था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जानने में, इसीलिए मैं इसको तोड़ के ले आया था और घर में दिखाने के लिए भी लाया था। तो मैं इसका नाम बता रहा हूँ, इस पौधा का नाम है सिंदूर। हाँ, इसी से सिंदूर बनता है। आजकल ऐसे मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाले सिंदूर हैं, उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन जो पहले ज़माने में जब केमिकल नहीं था, पारा शीशा का खोज नहीं हुआ था उस ज़माने में, और आजकल भी अभी भी कोरापुट के जो जनजातीय समुदाय हैं इसी को यूज करते हैं ज़्यादातर, इसी से सिंदूर बनता है। ये फल हैं, ये फल के अंदर में बीज हैं और बीज को सुखाया जाता है, उसके बाद उसको पीस के पाउडर का रूप दिया जाता है, पाउडर जैसे बन जाता है, जिसको वो सिंदूर के रूप में यूज करते हैं। मैं एक फल को यहाँ पे तोड़ के आपको बीज को दिखाऊंगा, आप भी देखें जानिए और आश्वस्त हो जाएं कि हाँ, इसी से सिंदूर बनता है। चलिए आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ बीज को तोड़ के। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इसमें कुछ बीज निकालूँगा और आपको सभी को दिखाऊँगा। थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ, गंदे हो जाएंगे। कुछ कांटे कांटे ऊपर से हैं, इसमें इस तरह के कुछ बीजा निकलते हैं, बीज हैं बहुत सारे। अंदर में ऐसे तो खोखले हैं, खोखले के अंदर में ही बीज हैं। आपको कुछ बीज से कलर बना के आपको दिखाता हूँ। ये रात में मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब मैं इसको निचोड़ लूँगा। अब देख सकते हैं इसमें कैसे रंग आ रहा है। इसमें हल्का सा पानी भी निकलता है, हालांकि ये थोड़ा सूख जा रहे हैं। ये हल्का खुशबूदार भी हैं, बहुत अच्छे ही महक रहे हैं, और इसमें अगर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो ये और अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। और ये अगर ये बीज जो है ये टूट जाता है तो इसमें ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लाल रंग निकलता है। और ये देखिए, मैं इतना ही दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा कोशिश करने से और ज़्यादा थोड़ा रंग में गाढ़ापन आ जाएगा। तो ये था सिंदूर। भारत के समाज में जो शादीशुदा औरतें होती हैं वे इसको यूज करते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय से हों, सिख समुदाय से हों या अन्य कुछ और समुदाय से हों, सिंदूर अवश्य ही यूज करते हैं अपने आप को। इधर भी मेरा हो गया लाल, अपने आप को शादीशुदा प्रमाणित करने के लिए। मेरे दोनों हाथ लाल लाल हो गए। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगा कि आपको कुछ अच्छा चीज़ दिखा पाया, अच्छा चीज़ बता पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं इस तरह का कुछ और अच्छा से वीडियो लाऊं आपके सामने, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी कुछ सीख पाऊँ, सीखने का कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी भी,
और कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।